नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपने पति निक के साथ कई बार रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करती हैं। वैसे इनकी जोड़ी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है। दोनों ही कोरोना वायरस के डर से अमेरिका वाले घर में क्वारंटाइन है, लेकिन प्रियंका किसी न किसी तरह फैंस से जुड़ी हुई है। इस महामारी में मदद के अलावा अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों को भी शेयर करती रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, प्रियंका ने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने बेडरूम सीक्रेट्स को भी बताया और कह दिया कि उनके पति निक इस एक चीज़ के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि जैसे ही वो सुबह जागती हैं, निक सबसे पहले उनका चेहरा देखना पसंद करते हैं, जिस पर वो कहती है, रुको, मैं पहले मस्कारा और मॉइस्चराइज़र तो लगा लूँ। लेकिन निक को मेरा नींद से मुरझाया चेहरा भी सुंदर लगता है, इसलिए वो चेहरा ही देखते हैं। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने आगे बताया कि निक कहते हैं कि तुम्हें इसी तरह देखना पसंद करता हूँ, और हर हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसा रिश्ता होना बेहद ही ज़रूरी है, जहां दोनों एक दूसरे से बिना किसी मतलब के एक दूसरे से प्यार करते रहें। प्रियंका ने कहा, ये चीज़ थोड़ी अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन हर पत्नी अपने पति से यही चाहती है। निक की डिमांड होती है, मैं उन्हें घूरने दूँ। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया है कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन एक या डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा बगैर एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, हम भले ही अलग अलग जगह से हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को पूरा समय दे, तभी हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता अच्छा रहता है। आपको बता दें, प्रियंका और निक ने साल 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शादी की थी। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से और हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ हुई थी। दोस्तों, जब प्रियंका से फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो परिवार बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इस साल नहीं। वो और निक बहुत जल्द फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।